So we are going to start with the unit 7 of macroeconomics. Unit is determination of income and employment. बेटे, this is Keynesian economics. जैसे कि हम अपने economists को classify करते हैं, classical economists, Keynesian economists and post Keynesian economists. ठीक है? तो ये जो हम unit करने जा रहे हैं, ये Keynesian economics के साथ deal करता है. ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि द टॉपिक नेम इज डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. जैसे हमने माइक्रो में स्टडी किया कि किस तरह से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं और मार्केट का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं. अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, राइट. तो इसमें हमने देखना है एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, हाउ टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. सो टू स्टडी दैट वी हैव टू बी यू नो क्लियर अबाउट सर्टन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अवर इकोनॉमी. फर्स्ट वन बीइंग एग्रीगेट डिमांड, और इसी चैप्टर में हम उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीगेट डिमांड. मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है. मार्केट डिमांड क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, ऑफ और डिमांड और इंडिविजुअल्स डिमांड एट वेरियस प्राइसेस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी. हम जैसे पेन की मार्केट डिमांड है, तो हम मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं इन बच्चों से पूछूंगी, बेटे 10 रुपए का पेन है, बताओ आपको कितने पेन चाहिए. तो सम विल से 1, सम विल से 2, सम विल से 8, ठीक है. तो मैंने सम टोटल कर लिया, वो आया 100 पेन्स, ठीक है. तो दिस इज द मार्केट डिमांड, 40 कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग 100 पेन्स एट ₹10, ठीक है. ये मार्केट डिमांड है, ये पेन की एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड होती है. एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड माने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है. अब एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर विच ऑल दी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हमने नेशनल इनकम पढ़ ली है, तो हमने हमें पता है हम इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, और कौन सा सेक्टर होता है, फर्म्स सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, हम उनको 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. तो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट अस से मैंने कहा बेटे 2020 में इंडिया की एग्रीगेट डिमांड 100 करोड़ रुपीज थी. वॉट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इन 2020 पीपल इन इंडिया ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स वर प्लानिंग टू स्पेंड रुपीज 100 करोड़ ऑन गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स सम टोटल, सम टोटल ऑफ वॉट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर विच इज नॉट इनकर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे याद रखनी है, इट इज नॉट द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर विच पीपल प्लान टू इनकर, ठीक है. जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है. तो डिफरेंट सेक्टर्स यानी कि हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब कुछ, ये सारे सेक्टर्स कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे. किसके ऊपर खर्चा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. लेकिन हमने वो गुड्स एंड सर्विसेज का खर्चा लेना है जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई है, यानी इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस हुई है. सो लेट अस से इफ हाउस होल्ड सेक्टर प्लान्स टू स्पेंड से ₹20 करोड़ इन वन
particular year, one accounting year, firm sector plans to spend 30 crore rupees in a particular year, and government sector plans to incur say 25 crore rupees, and rest of the world also plans to incur 25 crore rupees on the goods and services produced in India during an accounting year, then the sum total rupees 100 crore will be called as aggregate demand. So basically, what is aggregate demand? It is aggregate planned expenditure. Getting my point? जब भी आया कि aggregate demand इतना है, तो उसको समझने के लिए क्या mind में आना चाहिए? Aggregate planned expenditure. ठीक है? तो how do we define aggregate demand? It refers to sum total of expenditure which different sectors plan to incur on goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year. I'm repeating, बेटे aggregate demand कुछ नहीं है. Let us say आपकी class में 40 students हैं, ठीक है? मैंने आपकी class को बोल दिया कि आप एक economy हो. हमने एक activity play करनी है. हमने क्या किया, आपकी class को economy का नाम दे दिया, ठीक है? अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसे करो बेटे, ये चार rows हैं class में, आप अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपना सेक्टर डिवाइड कर लो. मैंने फर्स्ट रो के आगे प्लकार्ड लगा दिया हाउस होल्ड, सेकेंड के आगे फर्म्स, थर्ड के आगे गवर्नमेंट, फोर्थ के आगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर में है, यानी हम लोग फैमिलीज कंज्यूमर्स, ठीक है, वो सब हाउस होल्ड सेक्टर में बैठ जाएंगे. दूसरे है फर्म सेक्टर. फर्म सेक्टर में कौन कौन आएगा? जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तीसरे में आ जाएगा गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में जनरल गवर्नमेंट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है. फोर्थ वन में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स. ठीक है, सो इस तरह से मैंने बिठा दिया आपको. अब मैंने हाउस होल्ड सेक्टर से पूछा कि बेटे इस साल आप खर्चा करोगे, तो हाउस होल्ड सेक्टर कहेगा यस मैम, वी हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर. तो किसके ऊपर हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है? एनीवन? वी पीपल बिलोंग टू हाउस होल्ड, वी डू इनकर एक्सपेंडिचर. जिन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैन एनीवन आंसर मी? ऑल ऑफ यू आर अनम्यूटेड, यू कैन आंसर. यस पुलकित, कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स किन गुड्स के ऊपर खर्चा करेंगे? उन गुड्स को हम क्या नाम देंगे? डेली नीड्स? नो मनरी. बेटे आपको जब मैं पूछ रही हूं इसको क्या बोलेंगे, डेली नीड्स इज नॉट अ टेक्निकल टर्म. डेली हम अपनी गुड्स, अपनी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए कुछ गुड्स खरीदते हैं, उनको क्या कहते हैं? यस सुहानी, योर राइट, कंज्यूमर गुड्स. सो हाउस होल्ड दे विल इनकर ऑन कंज्यूमर गुड्स. यस रसिका, ठीक है. तो लेट अस से वो कहते हैं ठीक है, इस बारी हमने इतने की ग्रोसरी लानी है, इतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इतने की हमने फीस देनी है स्कूल में, इतने के कपड़े सिलवाने हैं, इतने की कार लेनी है. सम टोटल आ गया 20 करोड़ रुपए. ठीक है, सो दे आर प्लानिंग टू स्पेंड 20 करोड़ रुपीज. फिर हम फर्म सेक्टर के पास गए. फर्म सेक्टर से पूछा आप कितना खर्चा करोगे. फर्म सेक्टर किसके ऊपर खर्चा करेगा? वो जो गुड्स लेगा, फर्म सेक्टर जो गुड्स लेगा उसको हम क्या नाम देंगे? वो कौन से गुड्स हैं? अगेन क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल. बेटे आपने नेशनल इनकम किया हुआ इसलिए आपको पता होना चाहिए. हंसिका, भवनीत, फर्म सेक्टर जो गुड्स खरीद, कैपिटल गुड्स. हाँ जी, कैपिटल गुड्स. यस एग्जैक्टली, दे विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. तो फर्म सेक्टर कहता है कि भी मेरे को फर्दर प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए मैं कैपिटल गुड्स खरीदूंगा. तो इस साल मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ 30 करोड़ रुपीज के कैपिटल गुड्स खरीदूंगा. ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदता है, कैपिटल गुड्स भी खरीदता है. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कैसे खरीदता है? जैसे उसका मिलिट्री पर्सोनल है, उसको वो ग्रोसरी आइटम्स प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स वो खरीदता है.
कैपिटल गुड्स अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए वो कैपिटल गुड्स भी खरीदता है. तो गवर्नमेंट सेक्टर कहता है वी आर प्लानिंग टू इनकर 25 करोड़ गुड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. सेम इज द केस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहता है हम इतने गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके ऊपर हमारा इतना, और इतने गुड्स हम इम्पोर्ट करेंगे हमारा इतना खर्चा होगा. ठीक है, तो ये हमने सम टोटल ले लिया. ये सम टोटल आया 100 करोड़ रुपए. इसका मतलब इंडिया की एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 100 करोड़ रुपए. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड अगेन? सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. ये सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज का खर्चा है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर आप इनमें से कुछ इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो वो हम माइनस कर देते हैं. ठीक है, हमने सिर्फ उन गुड्स का खर्चा लेना है जो कि आप डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए गुड्स के ऊपर कर रहे हो. ठीक है, उनका सम टोटल हमें क्या देता है? एग्रीगेट डिमांड. सो यू नीड टू राइट इट डाउन. एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ planned expenditure, sum total of planned expenditure of different sectors of economy on goods and services produced within domestic territory of the economy during an accounting year. During an accounting year. Sum total of planned expenditure of different sectors of economy on goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year. इसमें दो बातें हमेशा याद रखनी है. ये actual expenditure का total नहीं है, ये planned expenditure है. Ex ante concept है, actual नहीं है, planned है. दूसरी बात क्या याद रखनी है? जो एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज का है जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुई हैं. इंपोर्टेड गुड्स यानी जो कि कंट्री के टेरिटरी के बाहर जो प्रोड्यूस हुए हैं उनके ऊपर खर्चा नहीं लेना. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. राइट डाउन कंपोनेंट्स of aggregate demand. ठीक है, just like I told you कि ये different sectors का expenditure है, planned expenditure है. ठीक है, तो पहला हमारा जो sector है वो कौन सा sector है? Household sector है. Household sector comprises of households. ठीक है, हाउसहोल्ड्स परिवार फैमिलीज वो सब आती हैं हाउसहोल्ड सेक्टर में. ठीक है, तो ये जो हाउसहोल्ड सेक्टर है ये किसके ऊपर खर्चा करता है? अभी आपने मेरे को बताया कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करता है. ठीक है, तो ये जो खर्चा करता है इसको हम कह देते हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पर्सनल consumption expenditure. आप लिख लो components of aggregate demand. Components of aggregate demand. The various components of aggregate demand are number one, private या personal या household, कोई भी नाम दे सकते हो. Private consumption expenditure, household consumption expenditure या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
It refers to total expenditure, which households plan to incur on goods and services during an accounting year. During an accounting year. All right. अब ये जो expenditure है जो households consumer goods के ऊपर plan करने का कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं plan, personal या private या household consumption expenditure. ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं. ये किसके ऊपर depend करेगा? आपने पहले साल मेरे को बोला कि आप 20 करोड़ रुपए स्पेंड करना चाहते हैं, अगले साल आपने बोला कि हम 25 करोड़ रुपया प्लान करने का सोच रहे हैं, उससे अगले साल आपने बोला आप 30 प्लान कर रहे हैं. आपका जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? टेल मी, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? Anyone? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर थोड़ा सोचिए. मैक्रो कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना बेटे, वो पहले अपने ऊपर आपने इंप्लीमेंट करके देखने होते हैं. अगर माइक्रो लेवल पे कुछ ट्रू है तो मैक्रो लेवल पर भी जनरली वो ट्रू होता है. ओके, आई हैव गॉट टू आंसर्स. वन इज इनकम, अनदर इज प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ओके बेटे, अब क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, तो ये जो खर्चा है पूरी इकोनॉमी जो करेगी, एक साल उसने कहा 20, अगले साल 25, अगले साल कहा 30, ये डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ इनकम. जनरली लिख लो आप, जनरली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is influenced by level of disposable income. Generally, private consumption expenditure is influenced by level of income, disposable income, level of disposable income. That is, consumption expenditure increases with increase in income and vice versa. It increases with increase in income and vice versa. Vice versa means decreases with decrease in income. Economy ki income badhegi to uska kharcha badh jayega. इकोनॉमिक इनकम कम होगी तो उसका खर्चा भी कम हो जाएगा. ठीक है, सो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई. इसको ऐसे रीड आउट करते हैं, याद है ना प्लस वन में हमने सीखा हुआ है, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. क्या मतलब इसका गौरव? व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन जो है वो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगी. ठीक है, अब सेकंड कंपोनेंट देखते हैं. हमारा सेकंड सेक्टर कौन सा है? फर्म सेक्टर है. यहां तक लिख लिया बेटे आपने? चलो आगे देखते, इसको हम सी भी कह देते हैं, ब्रैकेट में लिख लो सी. इट इज डिनोटेड, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय सी, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, इसलिए इट इज डिनोटेड बाय सी. दूसरा सेक्टर है फर्म सेक्टर.
फर्म सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स फर्म सेक्टर में आते हैं. फर्म सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है. जो गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं. तो जो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एनीवन? जसदेव, जो एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स के ऊपर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? चंदन. ओके, यस, राइट जसदेव, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं हम उसको, क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्म्स का खर्चा है उसको हम नाम दे देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा? लिख लीजिए अब, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड by all the private firms on the purchase of capital goods, on the purchase of capital goods. bracket mein likh lo, like plant, machinery, buildings, equipments, एटसेट्रा. ये सब कैपिटल गुड्स हैं. ठीक है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑल दीज आर एक्सपेंडिचर गुड्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स. लाइक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है बेटे, पता चल गया अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है. ऑल राइट, नाउ जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता था लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, कैन एनीवन टेल मी ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जिसको हम आई से भी जानते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनीवन, एनी आइडिया? थिंक अबाउट इट. आप अपने आप को एज्यूम करो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो. ठीक है, लास्ट ईयर आपने 25 की इन्वेस्टमेंट, 20 की इन्वेस्टमेंट की थी, इस साल आप 25 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओके, आई गॉट टू आंसर्स, सेविंग्स, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. ठीक है, चलो अब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का मतलब क्या है? प्रॉफिट है ना, प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल, प्रॉफिट्स. अब हमें जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है, केन्स क्या कहता है, इकोनॉमिस्ट हमारा जो है जिसने ये स्टडी की है, वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. देखो बेटे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कैसे करता है? बोरोइंग्स करता है, जैसे कि बैंक से लोन लेता है. ठीक है, जब बैंक उसको लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो लेट अस से बैंक जो है वो 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आपने कहा ठीक है इस साल हम 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 7% हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है. ठीक है, अगले साल क्या हुआ? अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, 5% हो गया. अब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? आप अपने आप को बेटे इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर मान के चलो. नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे. Isn't it right?
अच्छा, अब आप ये सोचो, आपने देखा कि कोविड लॉकडाउन के बाद से इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. डू यू नो व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट अप इकोनॉमिक एक्टिविटी. गवर्नमेंट चाहती है लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट अप हो, प्रोडक्शन बढ़े. तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. I is a function of R, लेकिन इनमें पॉजिटिव रिलेशन नहीं है. लिख लो आगे, higher ROI, ROI यहां पे क्या है, rate of interest. Higher rate of interest implies lower investment and vice versa. Higher rate of interest implies lower investment and vice versa. I is a function of R. ठीक बेटे, यहां तक क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? ओके, तीसरा कंपोनेंट देखते हैं. तीसरा सेक्टर हमारा कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर है. गवर्नमेंट सेक्टर भी तो कुछ खर्चा करती है ना. गवर्नमेंट एक्चुअली बेटे कंजम्पशन के ऊपर भी खर्चा करती है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी करती है. ठीक है, तो ये टोटल खर्चा उसका जो है उसको हम कह देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से. All right, so I'm winding up my class as the bell has gone. कल तक बेटे इतना पढ़ के आइए.